जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली आप सभी की तैयारी से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चे जब भी क्लास होती है तब बोलते हैं कि सर SSC GD की जो तैयारी है वो कैसे करें, क्या रणनीति रखे, किस प्रकार से तैयारी करें। लाडलो मैं आपको बता दूं, ये कई लोगों के साथ हो गया। क्या वो पढ़ते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है, फिर पढ़ते रहते हैं और फिर पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है, फिर एक टाइम पे जाके मजदूरी करना शुरू कर देते हैं, फिर एक टाइम पे जाके क्या करते हैं, मजदूरी, ठीक है, नरेगा में, सरकारी नौकरी है नरेगा, मनरेगा में जाके अगर आप मजदूरी करते हो तो सरकारी नौकरी से कम नहीं है लाडलो, इस बात को मत भूलिए। तो ये काम आपको करना है या ये काम, कम पढ़ना फिर भी नंबर। एक चीज मुझे बताइए, आज मैं आपके सामने दो पहलू रखता हूं। देखो 24 घंटे का दिन होता है, कितने घंटे का, पूरा का पूरा दिन और रात 24 घंटे का होता है। तो जो एक IPS ऑफिसर बनता है क्या वो उसके लिए दिन बड़ा होता है, और उसके लिए 24 घंटे का, आपके लिए भी 24 घंटे का। किसी भी IPS ऑफिसर से पूछ लेना या कितने भी बड़ा कोई भी ऑफिसर होगा, वो आपको ये थोड़ा ना बोलेगा कि मैं 24 घंटे पढ़ता हूं या पढ़ता था, नहीं, वो भी 24 घंटे नहीं पढ़ता है और ना आप 24 घंटे पढ़ते हो। आप 8 घंटे पढ़ते हो, वो इंसान भी 8 घंटे पढ़ के IPS का जो पेपर होता है, IAS का पेपर होता है, उनको हिट कर देते हैं, UPSC हिट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है लाडलो और आप नहीं कर पाते हो, इसका पीछे रीजन क्या है बताओ। देखिए इसके पीछे रीजन क्या है भाई, आप भी पढ़ाई करते हो, आपको एक छोटा सा लेवल है SSC GD, उसके लिए आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, वो IPS लेवल कर देते हैं, उसका पीछे रीजन क्या है। देखिए उसके पीछे दो रीजन होते हैं, मुख्य रीजन कि जब भी वो पढ़ाई करते हैं तो एक मकसद लेके पढ़ाई करते हैं। मकसद क्या होता है कि हमको IAS या IPS जो ऑफिसर बनना है, वो उनका एक सपना होता है, उनका ख्वाब होता है और उनको पता है कि मुझे हिट करना ही है। जैसे हमारे गांव में बच्चों का सपना होता है कि मुझे तो फौज ज्वाइन करनी है, तो सिर्फ सपना देखने से कभी सपने पूरे नहीं होते, उसके लिए जो मेहनत लगती है वो हमेशा आपको करनी पड़ेगी। और जब आप उस मेहनत को करोगे तो गारंटी है मेरी, आप भी सपने हिट करोगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। दूसरा, ये एक दिन तैयारी नहीं करते, एक दिन तैयारी ये नहीं करते। आप क्या करते हैं SSC GD वाले, 3 महीना जब आएगा ना फॉर्म, अभी भी तैयारी करना शुरू नहीं की अच्छे से, जब इनको पता चल जाएगा ना कि भाई 2 अगस्त को पेपर है, फिर ये तैयारी करना शुरू करेंगे। नहीं, जो IAS IPS जो जितने भी लगते हैं इनसे कभी भी पूछिए, ये बोलते हैं कि हम 12th क्लास से हमारा सपना था तभी से हम तैयारी कर रहे हैं, 11th क्लास से हमारा सपना था, तो इसीलिए जब वो सपने को साकार करने पहुंचते तब तक उनकी काफी सारी तैयारी हो जाती है, ठीक है। और आप क्या करते हो, आप जब तक फॉर्म में अप्लाई नहीं कर दोगे ना, तब तक आप किताब खोलोगे भी नहीं, यही रीजन है। फिर आप 3 महीने पढ़ते रहोगे और फिर अगली बार वैकेंसी आएगी, फिर 3 महीने पढ़ोगे, फिर अगली बार वैकेंसी आएगी, 3 महीने पढ़ोगे, तो वो किसी काम का नहीं, वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपकी जो रणनीति है वो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि हाँ मुझे SSC GD में अगर लगना है तो लगना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल मुझे लगना है और मुझे अभी से पढ़ाई करना है। और अभी से आप पढ़ाई शुरू करोगे तो गारंटी है मेरी, अभी आपके पास में जितने भी दिन है इन दिनों में कम से कम 3 से 4 महीने का तो समय आपके पास में अभी, क्या इतना बड़ा सिलेबस नहीं है SSC GD का कि 4 महीने में आप पढ़ के लगना सको। मैं बताऊं, आप अगर लग सकते हो तो कितने दिन में, अगर आप 60 दिन अच्छे से तैयारी कर लो, 60 दिन अच्छे से तैयारी कर लो तो आप बिल्कुल एग्जाम हिट कर सकते हो। अगर कोई पहली बार तैयारी कर रहा है तो वो आसानी से हिट कर सकता है। लेकिन अब आपको मैं क्यों बोलता हूं कि आप 90 दिन या इससे ज्यादा जितने दिन है उतने दिन पढ़ते रहो। देखो 60 दिन में वो इंसान लग सकता है जो पूरा तन्मयता से ताकत के साथ करे और जिस जो पहले से भी इंटेलिजेंट हो या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखो, जिसका दिमाग मेरे जैसे मोटी बुद्धि का होता है ना, उसका 60 दिन से नहीं होगा, उसको आज से मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम उसको इसके लिए 90 दिन से ज्यादा समय लगेगा पूरा कोर्स को। फिर ये जब 90 दिन में कोर्स कर लेगा, फिर जब इसका रिवीजन करेगा तब उसके चीजें समझने आने लग जाएगी। और इस बंदे को कम से कम 45 दिन या 30 दिन का समय रिवीजन के लिए अगर मिल जाए तो ये भी हिट कर सकता है जिसकी बहुत ज्यादा मोटी बुद्धि है। और अभी आपके पास में इतने दिन का समय है कि आप आसानी से इसको हिट कर सकते हो, इतने दिन का आपके पास में समय है लाड दो, तो इस बात को आप मत भूलिएगा। अब बात करें कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो होती है एक लगन, तन्मयता, हर रोज पढ़ना, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। हर रोज पढ़िए, देखिए मैथ्स SSC GD के लिए रीजनिंग, आपको पता है मैथ रीजनिंग ही मेरिट बनाती है सबसे ज्यादा, GK और हिंदी। दोस्तों मैं आपको बता दूं,
हिंदी में सभी के, क्योंकि एसएसजीडी का जो हिंदी का जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, विलोम शब्द पर्यायवाची, इसमें व्याकरण का ज्यादा पंगा नहीं है, बस याद करने वाली चीजें हैं। तो लगभग लगभग बच्चों के जो सिमिलर ही नंबर होते हैं हिंदी में और इंग्लिश में लैंग्वेज में, जीके में भी लगभग लगभग बच्चों के ज्यादा से ज्यादा अंतर होता है, तो 1 से 2 या 2 से 3 नंबर का अंतर होता है, इससे ज्यादा नंबर का अंतर नहीं होता, क्योंकि करंट अफेयर्स आते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो गए, खेलों से संबंधित हो गए, सबको पता है पॉलिटिक्स से संबंधित, संविधान से संबंधित हो गए, ज्योग्राफी के 2-4 क्वेश्चन और हिस्ट्री के 2-4 क्वेश्चन, ऐसे करके 25 क्वेश्चन बनते हैं, सभी को पता है सिलेबस का, ठीक है। तो इसमें लेकिन जो मेरिट बनाती है वो सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, ठीक है, ये बनाती है जी मेरिट एसएससीजीडी की। तो अब बोलते हैं कुछ बच्चों की बहुत वीक है, तो लाड तो पहले बात तो मैं आपको बताता हूं कि बहुत वीक है ये, अब आप मत समझना कि आप सीखेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको हर रोज आपको डिसाइड करना है कि मुझे 2 से 3 घंटे मैथ को देने हैं, ठीक है। अगर मैथ आप 2 से 3 घंटे देने लग जाओगे ना, आपको फ्री का फायदा ये होगा, फ्री में फायदा ये होगा कि आपकी रीजनिंग में अपने आप आपकी रीजनिंग सोल्व हो जाएगी। अगर आपने मैथ सीख रहे हो, रीजनिंग आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिल जाएगी, आपकी रीजनिंग समझ में आने लग जाएगी अगर आपने मैथ को कवर कर लिया, ठीक है, ये बात मत भूलिए। अगर आपने मैथ को कवर कर लिया, रीजनिंग आपकी फ्री में सही हो गई जी, और अब आपको बस फोकस रहना चाहिए एसएसजीडी के लिए कि मुझे मैथ में मैक्सिमम नंबर ट्राई करने हैं, मैथ और रीजनिंग में कम से कम आपके अगर हिट कर दिया 46-47 नंबर राजस्थान हरियाणा वाले, और जो बाहर के जिनकी मेरिट कम जाती है वो अगर इन दोनों सब्जेक्ट में 30 नंबर भी लाते हैं तो वो बाकी इन सब्जेक्ट में 30 नंबर ला सकते हैं, ठीक है, या 15 नंबर तो ला सकते हैं, कई जगह 45 ही जाती है मेरिट, और 30 नंबर लाएंगे तो उनके 60 नंबर हो जाएंगे, तो उनका नंबर पक्का हो जाएगा, लेकिन राजस्थान हरियाणा वाले 46-47 नंबर इसमें आसानी से ला सकते हैं, तो इस बात को मत भूलिए कभी भी, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि तैयारी करने की जो मुख्य रणनीति है वो क्या है। देखिए लाडलो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैथ के लिए आपको बुक का वीडियो कल मिल जाएगा कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, मैथ हो गई, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, उसके अलावा हिंदी और जीके। अभी आपको किस पे फोकस कर, देखिए जीके पढ़ रहे हो, करंट जीके आपको हमेशा पढ़ना है, करंट जीके हमेशा पढ़ना है, बाकी जीके आपको निरंतर पढ़ते रहना है, भले ही कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, लेकिन निरंतर आपको अभी प्रेजेंट टाइम में 1 घंटे से ज्यादा जीके पढ़ना चाहिए, 1 से 2 घंटे अगर आप क्लास ले रहे हो तो 1 घंटा सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए जीके की। हिंदी अगर आप पढ़ रहे हो, हिंदी का इसका चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप क्लास ले रहे हो क्लास में भी आप कंप्लीट कर सकते हो, और कुछ याद करने वाली चीजें जिनको आप लास्ट में भी याद कर सकते हो। हिंदी के लिए आप क्लास में अगर किसी अच्छे से क्लास ले रहे हो तो आपका क्लास में भी बहुत सारा मैटर कंप्लीट हो जाता है, और एक बार उसको अगर 30-40 मिनट भी अगर आप रिवीजन करो तो आपका टाइम कवर हो सकता है हिंदी में, क्योंकि हिंदी में ज्यादा बड़ा पंगा है नहीं एसएससीडी में। अब बात आती है मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ के लिए मैं आपको बता दिया जिनकी कमजोर है वो 2 से 3 घंटे का समय निकाले, ठीक है, इससे माथा पचाई करें, कम से कम 2 दिन में 2 बार मैथ में लाने की कोशिश करें, सुबह और शाम। किस समय? जिस समय आपका पढ़ने का सबसे ज्यादा दिल करे, पढ़ने का सबसे ज्यादा दिल हो तब जिनकी मैथ कमजोर है उनको मैथ पढ़नी चाहिए, जिनकी जीके कमजोर है उनको जीके पढ़नी चाहिए। मैथ और साथ में रीजनिंग आप 1 घंटा कर लो तो कितने घंटे हो गए, 2 और 1 3 और 1 4 और 4.5, यानी सेल्फ स्टडी के लिए अगर अभी आप 4 घंटे या 4.5 घंटे देते हो तो ये काफी अच्छा टाइम है, और आगे जाके एग्जाम के टाइम में आपको इसको बढ़ाना है, लेकिन अभी के लिए अगर आप 4.5 से 5 घंटे डेली रेगुलर सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत बढ़िया है। किसके बाद में? कोचिंग के बाद। अब कोचिंग में जैसे जिन बच्चों ने हमारे जो कमांडो एकेडमी पे तैयारी कर रहे हैं एप्लीकेशन पे हमारे साथ, उनकी जैसे दिन में 5 से 6 घंटे की क्लास हो जाती है, ठीक है, मैराथन क्लास को मिला के तो 8-9 घंटे की हो जाती है, लेकिन जो फिक्स क्लासे चलती है टाइम टू टाइम वो भी 5 से 6 घंटे की क्लासे हो जाती है, तो 6 घंटे प्लस 4 घंटे तो एक दिन में आप 24 घंटों में से 10 घंटे पढ़ने लगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है मेरी, आपको कोई नहीं रोक सकता। लाडलो, इस रणनीति से आप तैयारी करिए, देखिए आपका नंबर कौन रोक सकता है, ठीक है, इस प्रकार से जैसे मैंने बताया है उस प्रकार से आप तैयारी करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है मेरी, रीजनिंग मैथ जीके फीके सब सही हो जाएगी। और रीजनिंग मैथ तो मैं इतना लो लेवल से पढ़ाता हूं कि आप तो क्या 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा, इतने लो लेवल से सिखाता हूं कि बच्चों को सिखाते हैं वैसे, फिर भी आप अगर नहीं कर रहे हो मेहनत तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, इस बात को मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।